थाना क्षेत्र के साख मोहन पुरवारी टोला वार्ड नंबर 11 में शादी समारोह में शामिल होने आए युवक को उसी शादी में होने आए मेहमानों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेगूसराय जिला के मंझौल थाना की पवरा निवासी शंकर महतो का पुत्र मिथुन कुमार के रूप में किया गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को दिया गया। ग्रामीणों ने सभी मेहमानों को रोक कर रखा तथा आनंद फानन में शादी विवाह संपन्न कराकर वर वधु तथा बाराती को लड़की वाले के दरवाजे से शांतिपूर्ण तरीके से विदा कर दिया। तब तक ये खबर गांव में फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी तत्परता दिखाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजकर मामले में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा हत्या में शामिल सभी मेहमानों को संदिग्ध स्थिति में तीन मेहमान को जिन पर हत्या का आरोप लगाया गया है उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिस व्यक्ति पर मृतक के परिजन आरोप लगा रहे थे उसे पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई और मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक मिथुन अपनी बहन की ननद के यहां शादी में शरीक होने शाख मोहन आया था। उसी शादी में शामिल होने के लिए मृतक के बहनोई की दूसरी बहन जिसका घर बेगूसराय के दमदरपुर से भी उसी में शामिल होने आई थी। इसके पूर्व ही दोनों युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। जानकारी के अनुसार दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में परिजनों से छुप छुप कर मिला करते थे। रविवार को शादी समारोह में स्वतंत्र रूप से मिलने पर अवसर प्राप्त हुआ। महिला के पति लेट से आए, पति को आने की जानकारी पत्नी को नहीं था। दोनों के प्रेम गाथा की गतिविधि को लड़की के पति की नजरों में आ गई जिससे उसकी झड़प होने की बात कही जा रही है। रात में जब दोनों प्रेमी युगल के प्यार का प्रमाण चरमोत्कर्ष पर आया तो मौके की तलाश में जुट गए जिस पर बारात दरवाजे पर लगी और ग्रामीणों ने के द्वारा लड़की पक्ष से आए सभी संबंधियों को रोका गया था और मृतक के परिजनों ने जिन जिन व्यक्तियों पर हत्या करने का आरोप लगाया उसे पुलिस को सुपुर्द कर मामले को शांत कराया गया। हालांकि बारात जाने के बाद स्थिति भयावह हो चुकी थी लेकिन बुद्धिजीवियों और ग्रामीणों के अथक प्रयास और बुद्धिमता से काम लेने की वजह से बहुत बड़ी घटना टल गई, अन्यथा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा तीन व्यक्तियों को पुलिस के हवाले किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं परिजनों के द्वारा कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ और मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा कि हत्या कैसे हुई, हत्या है या मौत है। विभूतिपुर से नवनीत कुमार झा की रिपोर्ट। और दो तीन सॉन्ग मेरा उसमें घटना क्या कारण हो सकता है? क्या कारण? कारण तो कुछ भी नहीं है। कल मैं सॉन्ग में लाया उसको, लड़ाई नहीं, झगड़ा था उससे कभी भी नहीं। वो दूसरे गांव का। अच्छा, यहाँ आपका भाई बार बार आता था? नहीं, तो चार तीन साल बाद आया। वजह आप लोगों को क्या लगता है क्यों मारा होगा? वही तो हम भी जानते हैं। पीने वाला पांच जो था? हाँ, पीने वाला पांच था, वो भी छत पे था। और होगा नहीं पता हमको, जिधर खाना में बिजी थे खाना पिला रहे थे। वजह नहीं बता सकते, उससे पूछा जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ।